भिवानी में शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नागरिक अस्पताल परिसर में धरने पर बैठकर नारेबाजी की। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। बताया जाता है कि 1 अप्रैल से ठेका आधार पर नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारी भर्ती करने का नया टेंडर शुरू हो गया है। इस दौरान नए ठेकेदार को टेंडर की कमान सौंपी गई है, जिससे पुराने ठेका आधार पर लगे स्वास्थ्य कर्मचारियों में नए ठेकेदार के प्रति रोष है। उन्होंने कहा कि नया ठेकेदार उन्हें हटाकर दूसरे कर्मचारियों को भर्ती करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उनकी 2 दिन से हाजिरी नहीं लगाई गई है। वहीं प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने मांग करते हुए कहा कि पुराने कर्मचारियों को ना हटाया जाए और उनकी हाजिरी 1 अप्रैल से नए टेंडर के अनुसार लगाई जाए। उन्होंने बताया कि लगभग 311 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना काल में काम किया है। उनका कहना था कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वे इसके विरोध में बड़ा आंदोलन करेंगे। नौकरी चली जाएगी। क्या नाम है जी आपका? शीतल नाम है हमारा। क्या मांग करते हैं? हमारी मांग यही है, चाहे कोई भी ठेकेदार आए, हम कोरोना योद्धा हैं, हम सारे बंदे कोरोना में ये ड्यूटी दे चुके हैं, इसलिए हम ही रखें, चाहे कोई भी ठेकेदार आए। ये सिविल हॉस्पिटल में दिया गया है भिवानी। क्या नाम है? मैं लोकेश सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक प्रधान। आज जो ये हमने धरना लगा रखा है, ये हमने ऐसे ही नहीं लगाया, हमने प्रशासन को पहले चेता दिया था कि 31 तारीख को हमारा टेंडर चेंज हो रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे वही कर्मचारी रहें। सर, ये जगह कौन सी जगह पर धरना दिया गया और कहां पर दिया गया? ये सिविल हॉस्पिटल भिवानी में, और हमने सीएमओ मैडम से हमारी पिछले महीने बात हुई थी। सैलरी का इशू था हमारा, EPPSI का इशू था, हमने रिटर्न में हमने लिया था, मैडम ने हमें आश्वासन दिया था कि जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं, ठेकेदार कोई भी चेंज हो जाए यही रहेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला यही है कि ठेकेदार कोई भी बदल जाएगा लेकिन कर्मचारी वही रहेंगे। लेकिन जो नया ठेकेदार आया है, उसके द्वारा अभी हाजिरी नहीं लगाई जा रही, न उसके द्वारा कुछ ये बताया जा रहा है कि किस किस कर्मचारी की हाजिरी लग रही है। हम चाहते हैं कि नया ठेकेदार ये हमें आश्वासन करे कि यही इनकी हाजिरी लग रही है, कि आने वाले समय में नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे। और हमने ये ज्ञापन भी PMO के नाम बनाया है आज, इसमें जो साथियों का EPF नहीं जमा, जो पिछले ठेकेदार का काफ़ी बड़ा घोटाला EPF में कर रखा है ठेकेदार ने, हम चाहते हैं कि यहाँ पे कैंप लगवाया जाए और EPF के घोटाले को उजागर किया जाए और जिन साथियों के पैसे जमा नहीं उनके पैसे जमा कर। क्या नाम भाई आपका? हमारा जी दीपक। क्या समस्याएं हैं, क्या मांग कर रहे हैं? समस्या ये है जी, हमारा ठेकेदार चेंज हो गया जी, ठीक है। CMO मैडम ने भी उन्हें बोला था कि भाई कोई भी ठेकेदार आएगा तो बंदे चेंज नहीं होंगे, हमारी 1 तारीख से उन्होंने हाजिरी नहीं लगाई, ये समस्या है हमारी। हमारी मेन समस्या और ये भी है, ठेकेदार कोई भी आए हमारे यही कर्मचारी रहने चाहिए जिन्होंने अपने कोरोना काल में बहुत अच्छी तरह ड्यूटी की थी। तो सुनने में आया 311 कर्मचारी को दिया गया, ये सच है या झूठ है? ऐसा है जी, सुनो, 311 कर्मचारी है, अभी हमारे पास कोई भी ठेकेदार का कोई मैसेज नहीं आया है कि भाई आप हमारी हाजिरी नहीं लगा रहे। अच्छा, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे, हमारे कागज़। अच्छा, ऊपर तो ये बोल रहे हैं कि पुराने कर्मचारी हम लगाएंगे, तो हमारे कागज़ तो ऑलरेडी इनके पास ही हैं, हमारी तो हाजिरी लगनी चाहिए, हमारे कागज़ थोड़ी जमा होने चाहिए, ये बताओ आप। तो अभी क्या मांग करते हैं? हमारी मांग ये है कि हमारी ये कर्मचारी रहने चाहिए, हमारा कोई भी फेरबदल नहीं होना चाहिए। अगर हमारा ऐसा होगा तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, आंदोलन तो बहुत लंबा भी चल सकता है। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक